नगर निगम सभागार में मोटे अनाज को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम को कलेक्टर ताराचंद मीना ने संबोधित किया। जिला कलेक्टर ने आमजन को मिलेटर्स के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया। साथ ही कलेक्टर ने मिलेटर्स के फायदे गिनाए। मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य वर्धन के लिए सभी मिलेटर्स का उपयोग आवश्यक करना चाहिए। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा उदयपुर जोन के संयुक्त निर्देशक जुल्फुकार अहमद काजी ने आधुनिक बीमारियों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम में मिलेटर्स को अहम बताया। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर ने मिलेटर्स पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान CMHO डॉक्टर शंकर बामनिया, उप CMHO डॉक्टर रागिनी डामोर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। इस एरिया में होता है तो आज जो आपकी कार्यशाला होगी दिन भर की, इसके फायदे आपको बताए जाएंगे। पर्पज यही है कि स्वस्थ रहें और ज़्यादा अच्छा बेहतर उनसे शारीरिक उसकी मजबूती रहे, उनमें किस प्रकार की उपयोग है और एक जागरूकता का मौजूद तौर पर कार्यक्रम है। हम भी जिला स्तर पर जिस आएंगी वो भी आएंगी, वो डिटेल से आपको ब्रीफ करेगी, वो एक्सपर्ट है इस सब्जेक्ट की। और जिला स्तर का हम 5 जिलों में जैसा कि CMHO साहब फर्स्ट ने बताया, वो हम 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा अपना नवाचार है, हम विशेष रूप से जो आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए ये उपयोग हम प्रारंभ कर रहे हैं और अनुमानित लागत इसमें 50 लाख रुपये प्रति माह होगी। 5 ब्लॉक हैं हमारे, खेरवाड़ा, जाडोल, कोटला, फलासिया और लसाडिया, इसकी 5 पंचायतों को हमने चिन्हित किया है।